हेलो मैम, मेरा ना दांत में पीला पीला है और मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सुड़ों में से खून भी आ रहा है। दो दो बार ब्रश भी करती हूँ और फिर ऐसा लग रहा है नीचे नीचे से जगह बन रही है कुछ। कितनी बार ब्रश करती हो दो बार ही ब्रश करती हूँ, और कितनी देर तक के लिए करती पांच हो? पांच मिनट करती हूँ, 5-5 मिनट रगड़ रगड़ के रगड़ करती हो। रगड़ के करती हूँ। अच्छा, फिर दांत पीले लगने लग गए हैं दांत पीले हैं मेरे, वाइट ही नहीं हो रहे और हैं, खून भी आता है, खून भी आता है और मैं ऐसे लग रहा है मसूड़ों में से जगह बन रही है जगह नीचे बन रही है, नीचे ऐसा से लग रहा है कि आने मसूड़े नीचे जा रहे नीचे हैं। जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा कंसर्न तुम्हारा क्या है कि एक पहला कि दांत पीले लग रहे हैं, दूसरा मसूड़े नीचे जा रहे हैं और खून आ रहा है ना। तो जैसा कि आपने इनकी समस्या सुनी और आपने ये भी सुना कि मैडम 5 मिनट तक लगातार रगड़ रगड़ के ब्रश करती हैं, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, फिर दांत पीले क्यों हो रहे हैं, फिर मसूड़े नीचे क्यों जा रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताओ, ब्रश कैसे करती हो? ब्रश ऐसे करती हूँ और ऐसे करती हूँ ऐसे भी करती हो, और ऐसे भी करती हूँ। ऐसे भी करती हो और ऐसे भी करती हो, हाँ, ज्यादा कैसे करती हो? ज्यादा ऐसे भी कैसे करती हूँ। ज्यादा ऐसे करती हो, हाँ, रगड़ रगड़ के करती हूँ। ऐसे। हाँ तो आज हम कुछ बातों पर ध्यान देने वाले हैं। देखो, जैसा मैं तुमको कुछ चीजें बताने वाली हूं कि सबसे पहली जो तुम्हारी समस्या है, हम उसका समाधान करते हैं कि मसूड़े नीचे जा रहे हैं। हाँ पीले नीचे में जा हम रहे अभी हैं। आएंगे कि पीले क्यों हो रहे हैं, मसूड़े नीचे जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण आपके केस में दो है। पहला, आपका इस तरह से ब्रश करना। जब भी हम अपने दांत को हॉरिजॉन्टल तरीके से ब्रश करते हैं, तब हम अपने मसूड़ों पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर, जब आप ऐसे ब्रश करोगे, एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है तो मसूड़े वहां से नीचे जाने लग जाते हैं। दूसरी बात, जब आप ऐसे ब्रश करते हो तो आप बहुत ज्यादा खाना अपने गम से नहीं निकाल पा रहे हो, जिसकी वजह से मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हो रहा है। अब मसूड़े इन्फेक्शन में भी हैं, आप हॉरिजॉन्टल ब्रश कर रहे हो, तो दो तरह से आप अपने मसूड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो। एक तो जो खाना जम रहा है वो, और एक आपका ब्रश, दोनों का मिला के जो मसूड़े का लेवल है वो नीचे जाने लग जा रहा है। तो अब कैसे करना चाहिए? कैसे करना चाहिए? पहली बात तो कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल तरीके से ब्रश नहीं करना है। आपको ब्रश कैसे करना है? वर्टिकली, घुमा घुमा के वर्टिकली, हॉरिजॉन्टल नहीं। दूसरी चीज, आपने बताया 5 मिनट तक आप ब्रश कर रहे हो 5 मिनट तक ब्रश करती और हूँ बहुत फोर्स लगा रहे हो। बहुत। हाँ ब्रश करना है हमेशा 2 मिनट से कम और बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ। बहुत ज्यादा प्रेशर इसमें लगाने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट तक आप मैक्सिमम ब्रश कर सकते हो और हल्के प्रेशर से करना है। ठीक। अब जो तुम्हारे मसूड़े नीचे जा रहे हैं उसका क्या इलाज होगा? ठीक है, तो पहली चीज तो यह है, जहां जहां मसूड़े अभी कम नीचे गए हैं उनके लिए तो हम आपके दांतों की सफाई करेंगे, आपको मसाज बताएंगे, वो आप घर में करोगे तो थोड़े दिन के बाद वापस से ये ठीक होने लग जाएगा। जहां मसूड़े बहुत नीचे चले गए हैं, दांत बहुत लंबा दिखने लग गया है, उन सब केसेस में सर्जरी ही एक ऑप्शन बचता है। सर्जरी से तो डर लगता है मेरे को। सर्जरी से डर लगता है? ऐसा कुछ ऑप्शन बताओ या मैं घर में कर सकती हूँ। ठीक है, अगर सर्जरी से डर लगता है, वैसे तो बड़े केसेस को पूरी तरह हम सर्जरी से ही ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको सर्जरी से डर लग रहा है तो घर में मैं आपको कुछ चीजें बता रही हूँ जो लगातार आपको करनी है। आज जैसे मैं आपके दांतों की सफाई कर दूंगी तो मसाज आपको करनी है। शुरू के 7 दिन तो मैं आपको ट्यूब दे रही हूँ, इससे मसाज करना है, और उसके बाद घर में क्या क्या रेगुलरली करना है। पहला जो मैंने तुमको बता दिया, ब्रश कैसे करना है ऐसे करें। वर्टिकली, और दूसरा आपको ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, ठीक है, 2 मिनट से कम करना है, और क्या इंपॉर्टेंट चीज है, आपको सफाई रखनी है। गुनगुने पानी में, 1 ग्लास गुनगुना पानी लो, उसमें 1 चम्मच नमक डालो, अच्छे से मिला लो और फिर कुल्ला करो। ठीक। और क्या करना है इसके अलावा, अगर बहुत ज्यादा खून निकल रहा है हाँ मसूड़ों से, यस। एक जब हम सफाई कर देंगे, मैं आपको ट्यूब दूंगी, तो ये समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। फिर भी अगर हल्का फुल्का निकलता है और लंबे समय तक आपको अपने गम्स को हेल्दी रखना है, दांतों को हेल्दी रखना है, तो एक तो मैंने आपको बताया गुनगुने पानी में नमक, और कभी कभार अगर मसूड़ों से खून आ जाता है तो आप फिटकरी, आपको पता है क्या होता है फिटकरी? पता है। हाँ, हाँ फिटकरी के पाउडर को, एक चुटकी फिटकरी का पाउडर लो, 1 ग्लास गुनगुने पानी में उसको मिला मिला लो लो।
और सुबह शाम उसके कुल्ले करो, ठीक है। ये चीजें आप घर में कर सकती हो, और उंगली से मालिश कर सकती हो। जब कहीं मसूड़ा फूल जाए, सूख जाए, तो उसके लिए क्या करना है, एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक और थोड़ा सरसों का तेल मिला के एक पेस्ट सा बना लेना है, और नीचे से ऊपर की तरफ मसूड़े में मालिश करना है, ऊपर से नीचे की तरफ मालिश करना है। ये अगर आप रेगुलरली कर रही हो, हर दिन इसको फॉलो करोगे, तो काफी हद तक मसूड़ों की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब रही दूसरी समस्या, दांत पीले लग रहे हैं। दांत पीले हैं मेरे। अच्छा, अभी है या पहले थे या अब होने लग गए ज्यादा? कुछ अब ज्यादा होने लगे, कुछ थोड़े पहले थे। थोड़े पहले थे और अब ज्यादा होने लग गए। हाँ। इसका सबसे बड़ा कारण है तुम्हारा गलत तरीके से ब्रश करना। अब क्या होता है बेसिकली, ये समझो, दांत अलग अलग लेयर का बना होता है। सबसे ऊपर सफेद रंग की परत होती है, उसके अंदर पीले रंग की परत होती है। जब हम दांत को हॉरिजॉन्टली घिसते हैं, दांत के जो ऊपर की इनेमल है उसको ज्यादा घिस रहे होते हैं। अब तुम 5 मिनट ब्रश कर रही थी, इसका मतलब तुम कितना ज्यादा उसको घिस रही थी। धीरे धीरे इनेमल की परत कम होती है, डेंटिन की परत दिखती है, तो दांत पीले दिखते हैं, क्योंकि नीचे की जो परत है वो पीले रंग की होती है। तो मेरे वो व्हाइट कलर की परत उतर गई है सर। हाँ, कम हो गई है। अगर पूरी तरह उतर जाएगी तो तुमको ठंडा गर्म लगने लग जाएगा, क्योंकि वो परत जो सफेद वाली होती है वो बचा के रखती है सब चीज से। तो पूरी तरह नहीं उतरी होगी, हल्की हल्की उतर गई है, जिसकी वजह से दांत ज्यादा पीले लग रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए व्हाइट लगाने के लिए? व्हाइट करने के लिए अब इसमें अभी कुछ नहीं करना है। फिलहाल आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, सफाई पर ज्यादा ध्यान देना है, मसूड़े स्ट्रांग करने हैं, तरीका जो ब्रश का है बदल देना है, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाना है। ये चीजें अभी आप करोगे, इसके बाद जब आपके मसूड़े हेल्दी हो जाएंगे, दांत ठीक हो जाएंगे, व्हाइट करने की तरफ, व्हाइट करने के लिए दांतों को क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आपको समझ में आ गया कि मसूड़े नीचे क्यों जा रहे हैं, परेशानी कहाँ थी? आ गया। ठीक है। हाँ। तो जैसा कि आपने जाना कि हमारे दांतों पर जो इन्फेक्शन हो जाता है, मसूड़ों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी मेन वजह है खाना और गलत तरीके से ब्रशिंग, या फिर सही तरीके से ब्रश ना करना। डेंटल से ऐसी जुड़ी इन्फॉर्मेशन अगर आप और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये वाली वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।